हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ ट्राइजिस पढ़ेंगे, उसका कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोग का क्वेश्चन है क्या, कैन यू इंस्टेंटली फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच नो। जो भी मेरा क्वेश्चन दिया है उसका हम लोग को क्या बताना है, ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो इसमें हम लोग का पहला क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। यहाँ पर मेरा क्या है, 382। नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, 4972। नेक्स्ट 80। फिर नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, 59785। और नेक्स्ट क्या है, 750। तो हम लोग को इसमें बताना है कौन सा नंबर मेरा ग्रेटेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो हम लोग का यहाँ पे क्या है, 1s 10s 100। यहाँ पे 1s 10s 100, 1000, 10000, 1s 10s 100, 1000, 1s 10s 100। तो हम लोग का इसमें हम लोग का ग्रेटेस्ट कौन है, यही है, क्योंकि मेरा क्या है, 1s 10s 100, 1000, यहाँ पे 10000, और मेरा वर्ड 10000 नहीं, इसीलिए ये नंबर मेरा ग्रेटेस्ट है। और सबसे छोटा मेरा प्लेस कौन है, 1s और 10s, तो ये मेरा सबसे छोटा हो गया। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है, यही है, इसी में हम लोग को ही बताना है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। इसमें मेरा क्या है, 1s 10s 100, 1s 10s 100, 1s 10s 100, 1s 10s 100,000, 10,000, 1s 10s 100,000। इसमें मेरा कौन सा ग्रेटेस्ट है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, 1s 10s, ये तो है नहीं, ये भी, तो सबसे ज़्यादा मेरा कौन आ रहा है, यही वाला 1s 10s 100,000 और 10,000, और मेरा 1000 है, ये भी मेरा 1000 प्लेस है। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर मेरा क्या हो जाएगा, 89,423, ये हो गया मेरा ग्रेटेस्ट नंबर। एंड इसमें स्मॉलेस्ट कौन हो गया, 1s 10s 100, 1s 10s 100, इसमें भी 100 छोटा है, ये 310, तो 310 से मेरा 110 क्या है, छोटा है, तो मेरा हो जाएगा क्या, 100 इज द स्मॉलेस्ट। ठीक है, हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर पता चल गया, कैसे हम लोग देखेंगे। फिर वैसे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या दिया है, 1s 10s 100, 1s 10s 100, 1000, 1s 10s 100, 1s 10s 100,000, 10,000, 1s 10s 100,000। इसमें हम लोग का ग्रेटेस्ट कौन है, 10,000 वाला, तो हम लोग का ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो गया, 75,284, क्या हो गया, 75,284, ये हो गया मेरा क्या, ग्रेटेस्ट। और स्मॉलेस्ट इसमें कौन हो गया, एंड स्मॉलेस्ट तो मेरा कौन हो गया, 1s 10s 100 वाला, 1s 10s 100 में मेरा सबसे छोटा कौन हो गया, ये 101। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 450 से 101 मेरा छोटा है, तो 101, तो 101 क्या हो गया, स्मॉलेस्ट। ठीक है, ऐसे ही हम लोग लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है मेरे यहाँ पे, 1s 10s 100, 1s 10s 100, 1000, 10,000, 1000, 10,000, 1s 10s 100,000, फिर 1s 10s 100,000, 1s 10s 100 और 1000। तो इसमें मेरा सबसे छोटा, सबसे बड़ा मेरा कौन सा आ रहा है, 10,000, 10,000 से बड़ा मेरा कोई नहीं है, तो यही हम लोग लिख देंगे, 12,002, ये मेरा क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट। और स्मॉलेस्ट मेरा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा मेरा कौन है, 1s 10s 100, और कोई भी छोटा नहीं है, सब 1000, 1000, 1000, तो मेरा क्या हो जाएगा, 124 स्मॉलेस्ट। ऐसे ही हम लोग पता करते हैं स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, देख लेते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। हम लोग को क्या बताना है, कौन सा नंबर मेरा ग्रेटेस्ट है और कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट। जो अभी हम क्वेश्चन बनाए वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, वही नहीं है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे मेरा क्या है, 1s 10s 100,000, 1s 10s 100,000, 1s 10s 100,000, 1s 10s 100,000। इसमें मेरा ग्रेटेस्ट कौन है, मेरा क्या है, 1000 प्लेस में मेरा 4444 है, और मेरा 100 प्लेस क्या है, 5834। तो सबसे बड़ा कौन है मेरा, 8 है, तो ये नंबर मेरा क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट। कौन सा नंबर, 4892 मेरा क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट। अब इसी में मेरा स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा,
यहाँ पे 5 है, 8, 8 तो बड़ा हो गया 5, 3, 4, तो सबसे छोटा कौन है मेरा? 3, हम लोग का प्लेस तो सबका सेम है, तो क्या लिखेंगे? 4370 मेरा क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। फिर हम लोग का वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग प्लेसेस आगे देखा जाए, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, 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 सबका प्लेसेस बराबर है, टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड है। चलिए देखते हैं, इसका 15 15 15 15 इक्वल है। फिर उसके बाद क्या है, 100 प्लस 6 0 1 8, तो सबसे बड़ा कौन है? 6 है, 8 है, 0 है या 1 है, तो सबसे बड़ा मेरा क्या है? 8 है। तो ये वाला पूरा नंबर मेरा क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट। 15,800 क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट। अब इसमें हम लोग को स्मॉलेस्ट बताना है, सबसे छोटा कौन है? 6 0 1 या 8, तो मेरा 0 वाला सबसे छोटा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 50,000, ये मेरा क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट। सेम वैसे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, प्लेसेस देखते हैं, प्लेसेस भी मेरा सब क्या क्या है? इक्वल है, ठीक है। इसमें भी 15 है, 25 25, सबका 25 है। 100 प्लस भी क्या है? 2 2 2 2। अब हम लोग का टेंस प्लस क्या है? 8 4 7 1, तो सबसे बड़ा क्या है? 8 बड़ा है, तो ये वाला नंबर मेरा सबसे बड़ा हो जाएगा, तो लिख देंगे 25,286 मेरा क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट। और सबसे मेरा छोटा कौन है? तो मेरा 4 7 1, तो मेरा सबसे छोटा क्या है? 1। 25,210 मेरा क्या है? स्मॉलेस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, हम लोग प्लेसेस देखा जाए, प्लेसेस में क्या दिया है? वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, टेंस हंड्रेड थाउजेंड, इसमें थाउजेंड ही है और सब हम लोग क्या क्या है? 10,000। तो यहीं पे ये तो मेरा स्मॉलेस्ट हो गया, लेकिन ग्रेटेस्ट में देखा जाए यहाँ पे 23 24 24 24 24 इक्वल है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो ये मेरा नंबर सबसे ग्रेटेस्ट हो गया इसमें। और मेरा सबसे छोटा कौन हो गया? इसका प्लेसेस छोटा है, तो ये नंबर भी मेरा छोटा हो गया। ऐसे हम लोग पहचानेंगे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूज़ द गिवन डिजिट विदाउट रिपीटिंग एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4-डिजिट नंबर। हम लोगों को ये नंबर को यूज करना है और ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट लिखना है, लेकिन इसका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, मतलब कि बार बार वो नंबर को हम लोग नहीं लिखेंगे। और इसी में हम लोग को ग्रेटेस्ट भी लिखना है और क्या लिखना है? स्मॉलेस्ट, कितना डिजिट का? 4-डिजिट। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, क्या है? 2 8 7 4, हम लोग 4-डिजिट ही लेना है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4-डिजिट अवेलेबल है भी। तो अब हम लोग को ग्रेटेस्ट लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? ग्रेटेस्ट 4-डिजिट नंबर इक्वल टू, सबसे बड़ा इसमें कौन है? 8, फिर 7, फिर 4, फिर 2। अब यहाँ पे कॉमा लगा है बारी बारी से, लेकिन हम लोग इसमें कॉमा नहीं लगाएंगे, हम लोग को कॉमा लगाना होगा तो हम लोग ऐसे लगा सकते हैं, वंस टेंस हंड्रेड हंड्रेड के बाद, क्योंकि हम लोग ऐसे प्लेसेस के बाद लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग बार बार यहाँ पे कॉमा लगाए हम लोग नहीं लगाएंगे, ये चीज़ को हम लोग ध्यान देंगे इसमें। नेक्स्ट वैसे हम लोग का स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट 4-डिजिट नंबर हम लोग को लिखना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे छोटा कौन है मेरा? 2 4 7 8, वंस टेंस हंड्रेड के बाद, प्लेसेस के बाद कॉमा लगाएंगे, बारी बारी 2 4 7, बारी बारी कॉमा ये नहीं लगाएंगे, इसको हम लोग ध्यान देंगे, ठीक। ये मेरा क्वेश्चन हो गया ए। अब मेरा क्वेश्चन क्या है? बी, 9 7 4 1, ठीक है। अब इसी का ग्रेटेस्ट निकालना है, 4-डिजिट निकालना है, ग्रेटेस्ट 4-डिजिट नंबर इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा? 9 7 4 1, प्लेसेस के बाद कॉमा लगा दिए, ठीक है। अब हम लोग स्मॉलेस्ट लिखेंगे, स्मॉलेस्ट 4-डिजिट नंबर इक्वल टू 1 4 7 9, इसका उल्टा कर देंगे, इसी नंबर का उल्टा कर दिया, हो गया मेरा स्मॉलेस्ट। प्लेसेस के बाद कॉमा लगे हैं, बारी बारी से कॉमा हम लोग नहीं लगाएंगे, इस चीज़ को बार बार ध्यान देंगे।
फिर नेक्स्ट अब हम लोग का जीरो वाला है। जीरो वाला में हम लोग को दो चीज़ इसमें बस ध्यान रखना चाहिए, एक कॉमा हम लोग नहीं लगाते हैं हर एक डिजिट के बाद, और हम लोग एक क्या ध्यान देते हैं इसको हम अभी बताते हैं। ठीक है, मेरा क्वेश्चन क्या है, 4 7 5 0। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, जीरो वाला थोड़ा हम लोग को ध्यान से देखना होगा। ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर इक्वल टू, सबसे बड़ा कौन है, 7 5 4 0। ठीक है, सबसे बड़ा से छोटा तो हम लोग लिख लिए, लेकिन स्मॉलेस्ट में जीरो में ध्यान देंगे, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इक्वल टू, सबसे छोटा मेरा क्या है, जीरो है, लेकिन जीरो को कोई नंबर के आगे हम लगा देते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1। तो किसी नंबर के आगे हम लोग जीरो को, सबसे आगे हम लोग जीरो को प्लेस नहीं देंगे। जीरो मेरा स्मॉलेस्ट डिजिट है, लेकिन जीरो जब हम लोग आगे लगा देते हैं तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। जीरो आगे लगा देंगे तो हम लोग को इस जीरो का कोई नहीं वैल्यू होगा, हम लोग ऐसे लिख देंगे 0 4 5 7, तो इसको हम लोग 3 ही डिजिट पढ़ेंगे, इसको हम लोग 4 डिजिट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इस जीरो का मेरा कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए हम लोग सबसे पहले जीरो यूज़ नहीं करेंगे। तो मेरा जीरो के बाद कौन उससे बड़ा है हल्का, तो 4 के बाद हम लोग जीरो लगाएंगे। ये चीज़ को हम ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले स्मॉलेस्ट डिजिट में जीरो को नहीं यूज़ करेंगे, एक डिजिट बाद उससे जो हल्का बड़ा है उसके बाद हम लोग जीरो को यूज करेंगे, जीरो को आगे लगाने से, क्योंकि जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, क्या है, 1 7 6 2। ठीक है, इसमें बड़ा है कौन है, हम लोग लिख देंगे 7 6 2 1। अब स्मॉलेस्ट कौन है, 1 2 6 7। ठीक है, ऐसे हम लोग का डी बन गया, क्वेश्चन नंबर डी बन गया। अब क्वेश्चन नंबर ई मेरा जीरो पे फिर आ गया, तो हम लोग जीरो पे कैसे बनाएंगे, एक बार आप लोग जरूर ट्राई कीजिए, खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। जीरो पे क्वेश्चन क्या है, 5 4 0 3, तो सबसे बड़ा कौन है, जैसे हम लोग लिखते हैं ग्रेटेस्ट में तो वैसे लिख देंगे, लेकिन हम लोग स्मॉलेस्ट में पहले जीरो नहीं लिखेंगे, 3 0 4 5 जो उससे हल्का बड़ा है उसको लिखने के बाद ही हम लोग जीरो को यूज़ करेंगे, और प्लेसेस के बाद हम लोग को कॉमा लगाना है लगा देंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग ओनली 1 डिजिट ट्विस्ट। एक डिजिट को हम लोग ट्वाइस मतलब क्या है, दोबारा, एक डिजिट को हम लोग दोबारा लिख सकते हैं, और ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट लिखना है 4 डिजिट। मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर ए में 3 8 7 कितना डिजिट है, 3 ही डिजिट है, हमको इसको कितना डिजिट में करना है, 4 डिजिट में करना है, और किसी जो नंबर को हम लोग करेंगे उसको ट्वाइस उसको दो बार लिखेंगे, दो से ज़्यादा नहीं करेंगे, ये नहीं कि दो से ज़्यादा कर देंगे, बस एक एक नंबर को दो बार कर सकते हैं, जो मेरा बड़ा डिजिट होगा जो मेरा स्मॉलेस्ट डिजिट होगा, और हम लोग को कितना डिजिट करना है, 4 डिजिट, यहाँ पे हम लोग का 3 डिजिट दिया है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो और हम लोग का क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, पहला क्या है, 3 8 7, तो हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग को ग्रेटेस्ट कितना डिजिट लिखना है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, 3 नहीं 4, लेकिन हम लोग का यहाँ पर नंबर कितना है, 3 ही है। तो अब हम लोग का ग्रेटेस्ट कौन है, सबसे बड़ा 8, तो 8 को यहाँ पे लिखा है ना 1 डिजिट ट्वाइस, एक डिजिट को हम लोग दो बार लिख सकते हैं, तो 8 को हम लोग दो बार कर देंगे, तो ये मेरा डिजिट क्या हो गया, एक डिजिट मेरा दो बार हो भी गया, और मेरा ये जो डिजिट मेरा 3 डिजिट था, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट भी हो गया, 4 डिजिट हो गया। अब वैसे मेरे स्मॉलेस्ट हम लोग को करना है, क्या करना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, तो इसमें स्मॉलेस्ट कौन है, 3, तो हम लोग 3 को दो बार करेंगे, क्योंकि स्मॉलेस्ट मेरा 3 है, इसलिए 3 को, ये नहीं कि 8 को 7 को जो मन वो कर देंगे, नहीं, ग्रेटेस्ट में जो बड़ा रहेगा उसको दो बार करेंगे, स्मॉलेस्ट में जो छोटा रहेगा उसको हम लोग दो बार करेंगे, प्लेसेस के बाद कॉमा लगेंगे, बारी बारी से कॉमा नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब मेरा आ रहा है, फिर जीरो वाला टाइप का आया है, फिर जीरो वाला ध्यान देंगे, क्या है, 9 0 5, तो ग्रेटेस्ट मेरा क्या है, 9 को हम लोग दो बार करेंगे, क्योंकि मेरा क्वेश्चन क्या पूछा, 4 डिजिट नंबर, 5 0, मेरा 4 डिजिट का हो गया। अब हम लोग का ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, जीरो को सबसे पहले हम लोग नहीं लिखेंगे, अभी हम जस्ट बताएं, जीरो को आगे लिखने का उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हम लोग लिखेंगे 5 0 को हम लोग दो बार बढ़ाएंगे, और 9, कोई क्लियर, हम लोग जीरो को क्यों, बीच में जीरो है तो उसका वैल्यू बढ़ गया, लेकिन सबसे आगे मेरा जीरो रहता है तो उसका वैल्यू नहीं होता है। जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं 0 0 5 9, इसका कोई वैल्यू होता है, एक जीरो भी लिखते तो हम लोग का कोई वैल्यू नहीं, वही होता है 59 ही पढ़ते, दो जीरो भी लिखेंगे तो 59, तीन जीरो भी लिखेंगे तो 59 ही पढ़ेंगे,
इसीलिए ध्यान दीजिएगा जब भी मेरा स्मॉलेस्ट जीरो वाला है तो आगे जो उससे बड़ा है उसको लिखने के बाद जब बढ़ाना है तो स्मॉलेस्ट में मेरा स्मॉलेस्ट तो जीरो ही है, जीरो को बीच में बढ़ा देंगे। अब 50 लिखे 9 या 500 लिखे 9, दोनों का मेरा क्या हो गया, वैल्यू बढ़ गई। ये हो गया 500, नहीं ये हो गया मेरा 5000। नहीं तो जीरो पे ही हम लोग को ज़्यादा कमांड देना है। ये मेरा क्वेश्चन हो गया सेकंड। अब हम लोग क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। सी में क्या है, 049 वही क्वेश्चन है। तो 9 को हम लोग दो बार कर देंगे, 4 और 0 कर देंगे। ग्रेटेस्ट में तो 0 लास्ट में लिखेंगे और स्मॉलेस्ट में नहीं, स्मॉलेस्ट में लिखेंगे 4 फिर 0 तब 9 कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी ऐसे ही बनेगा। और मेरा क्वेश्चन नंबर डी, डी 851। तो 8 को हम लोग दो बार कर देंगे, 51 कर देंगे, इसमें 1 को हम लोग दो बार कर देंगे, 58 कर देंगे। जो स्मॉलेस्ट है उसको बढ़ा दिए, जो उसमें ग्रेटेस्ट था वो बढ़ा दिए। ये मेरा क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हम लोग का। क्या है क्वेश्चन कि मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट विथ कंडीशन एज गिवन। मेरा क्या लिखना है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट हमको 4 डिजिट नंबर लिखना है, 4 डिजिट लिखना है यूजिंग 4 डिफरेंट डिजिट। और जो मेरा चारों जो डिजिट होना चाहिए वो मेरा क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, पहला डिजिट 7 इज ऑलवेज एट वंस प्लेस, नोट द नंबर कांट बिगिन विथ द डिजिट 0 वाई। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, डिजिट 7 को हम लोग को जब भी रखना है कहाँ रखना है, वंस प्लेस में। ठीक है, और हम लोग को कभी भी बिगिन, अभी हम जस्ट बताएं, कभी भी शुरुआत हम लोग 0 से नहीं करेंगे। ये बात हम आप लोग को बता भी चुके हैं कि 0 से कोई भी नंबर का हम लोग शुरुआत नहीं करेंगे। और हम लोग को चारों डिजिट क्या लिखना है, 4 डिफरेंट डिजिट विथ एज कंडीशन, चारों हम लोग को अलग अलग डिजिट लिखना है। और मेरा 7 जब भी रहेगा कौन से प्लेस पर रहेगा, वंस प्लेस पर, और ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट लिखना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, डिजिट 7 इज ऑलवेज एट वंस प्लेस, डिजिट 7 हम लोग का जब भी रहेगा कौन से प्लेस पे रहेगा, वंस प्लेस पे। और हम लोग को जो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट लिखेंगे वो सब मेरा क्या होना चाहिए, डिफरेंट। तो हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन। हम लोग का क्या है, ग्रेटेस्ट 4 डिफरेंट डिजिट इक्वल टू, हम लोग को ग्रेटेस्ट 4 नंबर लिखना है लेकिन चारों क्या होना चाहिए, यूजिंग नंबर 4 मेरा चारों मेरा डिफरेंट होना चाहिए। तो चलिए सबसे बड़ा मेरा कौन है नंबर, 9, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद क्या है 7, फिर उसके बाद क्या है 6। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर ए में ये भी तो लिखा है कि डिजिट 7 इज ऑलवेज एट वंस प्लेस, डिजिट 7 को हम लोग को जब भी लिखना है रखना है कौन से प्लेस पे है, रखना है वंस प्लेस पे, ये भी तो हम लोग का लिखना है। तो ये इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो अब हम लोग जो 6 है 6 को हम लोग रख लेंगे टेंस प्लेस पे और 7 को रख लेंगे हम लोग वंस प्लेस पे। हम लोग को चारों डिफरेंट भी डिजिट हो गया और मेरा 7 भी कौन सा प्लेस पे हो गया, वंस प्लेस पे हो भी गया। वैसे हम लोग स्मॉलेस्ट अब लिखेंगे, स्मॉलेस्ट 4 डिफरेंट डिजिट। चलिए स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है मेरा, कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, लेकिन हम लोग को चारों क्या लिखना है, अलग अलग। तो हम लोग को कभी भी 0 को आगे तो लिखना नहीं है, लिखा ही है। ठीक है, तो अब हम लोग को भी क्वेश्चन इसी में हम लोग को 7 क्या लिख रहा है, डिजिट 7 इज ऑलवेज एट वंस प्लेस, और इसमें भी हम लोग को 7 को कौन से प्लेस पे रखना है, वंस प्लेस पे ही। तो 7 को चलिए वंस प्लेस पे हम रख लिए, और इधर हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं 100, ये मेरा चार डिजिट भी हो गया और स्मॉलेस्ट नंबर भी हो गया और 7 हम लोग का ये प्लेस पे रखा भी गया, मेरा वंस प्लेस पे रखा भी गया, लिखा ही है डिजिट 7 इज ऑलवेज एट वंस प्लेस। ऐसे ही हम लोग को क्वेश्चन लिखना, लेकिन हम लोग को क्या लिखना है, चारों मेरा डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे मेरा 2 हो गया, 1 2, यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे तब होगा ना हम लोग का चारों क्या होगा, अलग अलग 1 0 2 7, तब ना हम लोग का चारों अलग अलग हो गया, 7 हम लोग का वंस प्लेस पे लिखा रखा जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का डिजिट 4 इज ऑलवेज एट टेंस प्लेस, डिजिट 4 को हम लोग को कहाँ लिखना है, टेंस प्लेस पे। चलिए वंस टेंस 100,000, तो चलिए चार डिजिट हो गया। हम लोग को 4 को कहाँ लिखना है, टेंस प्लेस पे हम लोग लिख लिए, वंस टेंस 100,000 रख लिए। अब हम लोग नहीं लिख सकते हैं चारों अलग अलग, 9 8 8 के बाद क्या आता है 7,
ठीक है। फिर ऐसे हम लोग इसमें भी कर लेंगे, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड। फोर को हम लोग को कहाँ लिखना है, डिजिट टेंस पे, और हम लोग अब चारों अलग अलग हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, वन जीरो यहाँ पे, तो वन जीरो फोर टू हम लोग का छोटा डिजिट लिखा भी गया, हमारे टेंस प्लेस पे फोर रह भी गया, ऐसे ही हम लोग का क्वेश्चन बनेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, डिजिट सेवन, डिजिट नाइन इज ऑलवेज एट हंड्रेड प्लेस। चलिए वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, हंड्रेड प्लेस पे हम लोग नाइन रख दे रहे हैं, इसमें भी वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, हंड्रेड प्लेस पे हम लोग नाइन लिख दे रहे हैं। अब हम लोग को चारों डिजिट अलग होना चाहिए, नाइन तो अब यहाँ पे आ गया, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एट, यहाँ पे तो नाइन आ गया, सेवन सिक्स, चारों मेरा अलग अलग भी हो गया और नाइन मेरा हंड्रेड प्लेस पे हो भी गया। इसमें वन नाइन जीरो टू, मेरा नाइन मेरा हंड्रेड प्लेस पे हो गया। ऐसे हम लोग ऐसे दे देंगे, हम लोग डैश डैश दे देंगे, तो हम लोग का बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन बनाना। फिर हम लोग का क्या, वन इज़ ऑलवेज एट थाउजेंड प्लेस, वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड, वन को हम लोग थाउजेंड प्लेस पे रख दिए। अब हम लोग इधर लिख देंगे नाइन एट सेवन, वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड, वन को हम लोग थाउजेंड प्लेस पे लिख दिए। अब इधर हम लोग लिख लेंगे अपना चारों अलग अलग डिजिट, ठीक है, ऐसे ही हम लोग का क्वेश्चन बनेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब इसको हम लोग को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाना है। तो मेरा असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग कैसे इसको सजाएंगे, मेरा क्वेश्चन क्या दिया है देख लीजिए, वन टेंस हंड्रेड, वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड, वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड, वन टेंस हंड्रेड। तो असेंडिंग ऑर्डर मेरा क्या है पता है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, छोटा से बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा मेरा क्या है, हंड्रेड प्लेस, ये दोनों हंड्रेड है, हंड्रेड में भी ये कौन छोटा है, ये वाला, क्योंकि 5571 छोटा है, उससे बड़ा कौन है, मेरा ये वाला। फिर उससे बड़ा कौन है, मेरा ये भी थाउजेंड है, ये भी थाउजेंड है, यहाँ पे एट है, यहाँ पे नाइन है, तो इससे बड़ा मेरा, इससे बड़ा तो यही है, सबसे बड़ा नहीं है, तो इससे बड़ा मेरा कौन है, एट थाउजेंड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी। फिर उससे बड़ा कौन है मेरा, नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फोर्टी फिफ्टी फोर, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन ए बन गया। क्वेश्चन नंबर बी, इसमें भी यही करना है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट लिखना है। तो सबसे मेरा आगे, सबसे पहले प्लेसेस देख लें, प्लेसेस तो मेरा क्या है, वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, सब मेरा क्या है, टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड। चलिए टेन थाउजेंड तो है, लेकिन टेन थाउजेंड में सबसे छोटा कौन है, ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे छोटा मेरा क्या है, ट्वेंटी फाइव वाला, तो हम लोग लिखेंगे ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी वन। फिर उससे बड़ा कौन है मेरा, थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड वन। फिर उससे बड़ा मेरा कौन है, थर्टी एट थाउजेंड एट हंड्रेड टू। फिर उससे बड़ा मेरा कौन है, नाइन्टी एट थाउजेंड एट हंड्रेड वन, ठीक है, ऐसे हम लोग का क्वेश्चन बनेगा, छोटा से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको हम लोग को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, और हम लोग को 10 खुद से एग्जाम्पल लेना है असेंडिंग और डिसेंडिंग का। ये खुद से आप लोग काम कीजिएगा, असेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर का खुद से एग्जाम्पल लेकर अपना असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर करिएगा। अब जो भी इसका कैसे बनता है असेंडिंग, कैसे बनता है डिसेंडिंग, ये हम समझा दे रहे हैं। तो चलिए असेंडिंग तो समझा दिए, अब डिसेंडिंग देखेंगे। डिसेंडिंग में क्या होता है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, थाउजेंड है, ये मेरा क्या है, टेन थाउजेंड, ये मेरा क्या है, थाउजेंड, ये मेरा क्या है, थाउजेंड। तो सबसे बड़ा मेरा क्या है, टेन थाउजेंड। प्लेसेस देख लेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद मेरा थाउजेंड में सबसे बड़ा कौन है, नाइन सेवेंटी एट, सेवेंटी एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड वन। इससे बड़ा कौन है, सेवेंटी फाइव हंड्रेड। फिर इससे बड़ा कौन, इससे छोटा मेरा कौन है, फाइव थाउजेंड। ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट क्या हो गया, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अभी हम जस्ट आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट समझाए हैं, ठीक है। अब वैसे बी में, बी में मेरा सबसे, हम लोग प्लेसेस देखेंगे। इधर मेरा क्या हो गया, ये मेरा टेन थाउजेंड, ये मेरे भी मेरा टेन थाउजेंड, ये भी मेरा टेन थाउजेंड, ये मेरा थाउजेंड। तो टेन थाउजेंड में मेरा सबसे बड़ा कौन है, नाइन्टी टू, नाइन्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी सेवन। फिर उससे बड़ा कौन, उससे छोटा कौन है, एट्टी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड फोर्टीन। फिर उससे छोटा कौन है, फोर्टी फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी वन। फिर उससे छोटा कौन है, वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड सेवेंटी वन। ऐसे हम लोग, ये भी बन जाएगा ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ऐसे ही मेरा असेंडिंग और डिसेंडिंग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, रीड द एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड हम लोग को रीड करना है। रीड एंड एक्सप्लेन एक्सपेंड द नंबर व्हेन एवर दे आर एज ब्लैंक्स। मेरा नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उसका नंबर नेम भी दिया है। मेरा ये क्या है 89,330,24, ये मेरा नंबर नेम भी दिया, इसको हम लोग एक्सपेंस करना है। इसको एक्सपेंड हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग कैसे करेंगे, ये मेरा कौन सा प्लेस है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड और 10,000। तो 10,000 है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 8 के बगल में कितना जीरो, 1, 2, 3, 4, चार डिजिट है, 4 जीरो लगा देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे, फिर हम लोग का सॉरी मल्टीप्लाई नहीं प्लस का साइन देंगे, फिर हम लोग का 9 के बगल में कितना डिजिट है, 3 डिजिट, फिर हम लोग का 3 के बगल में कितना डिजिट है, 2, 2 के बगल में 1 और 4 के बगल में 1 भी नहीं। हम लोग ऐसे भी एक्सपेंडेड फॉर्म बनाते हैं और हम लोग ऐसे भी बनाते हैं। मेरा 1000 यहाँ पे 4 डिजिट लगेगा, ठीक है, मेरा 8 मेरा कौन सा प्लेस है, 10,000 पे, 8 × 10,000 हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। 8, 9 मेरा कौन सा प्लेस है, 1000, 9 × 1000, 3 मेरा कौन सा प्लेस है, 100, 3 × 100, मेरा 2 कौन सा प्लेस है, 2 tens, 2 × 10, मेरा 4 कितना प्लेसेस पे है, 1, 4 × 1। हम लोग एक ट्रिक, एक दूसरा और तीसरा, हम तीनों तरीके से आपको एक्सपेंडेड फॉर्म बता रहे हैं, आप लोग बना सकते हैं। अब मेरे 8 कौन से प्लेसेस पे है, 10,000, 8, 10, 1000, 9 मेरा 1000, 3 मेरा 100, 2 मेरा टेंस और 4 मेरा वंस, ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग का क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग का यहाँ पे हम लोग का एक्सपेंडेड फॉर्म करके दे दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करिए करके दे दिया गया है, हम तीनों तरीके से बताएं। देखिए एक तरीका इसमें आया है, हम लोग को तीनों तरीके, इसका हम लोग को नंबर नेम लिखना है, इसका कितना नंबर नेम है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 50,000, कैसे, क्योंकि वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड और 10,000, तो ये 50 मेरा हो गया, 1000 प्लस 50,000। अब इसको एक्सपेंड करना है तो कैसे करेंगे, 5 × ये कौन से प्लेसेस है, 10,000, तो हम लोग 5 × 10,000 प्लस, फिर उसके बाद मेरा क्या है, और भी सब मेरा जीरो है तो उसको हम लोग छोड़ देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, 5 × 10,000 प्लस और कुछ नहीं लगाएंगे। ज़रूरी है कि 0 × 0 कोई भी मतलब नहीं, किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे मेरा जीरो ही आएगा। इसको भी वैसे लिख लेंगे, मेरा कौन सा ये प्लेस है, 41, मेरा 10,000, तो लिखेंगे 41,000, फिर उसके बाद मेरा जीरो जीरो है, छोड़ देंगे। एक्सपेंडेड इसको कैसे करेंगे, 41 मेरा कौन सा है, टेंस प्लेस पे, 10,000 है, 4 × 10,000। अब मेरा प्लस, मेरा 1 भी है, 1 कौन से प्लेस पे है, 1000, 1 × 1000, उसके बाद मेरा जीरो है, ऐसे ही छोड़ देंगे। किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ऐसे हम लोग का क्वेश्चन बनेगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग का आगे एक्सपेंडेड फॉर्म ही है, वैसे हम लोग बना लेंगे और हम लोग को और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, ठीक है। सब हम लोग का एक्सपेंडेड फॉर्म है, कैसे बनेगा हम लोग देख लेंगे, और कुछ नहीं करना है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है, थैंक यू।